दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स हेल्पलाइन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी कोच और इस टूर्नामेंट के सूत्रधार प्रदीप आर्य को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट को सम्मानित करें। मुकेश राणा, सोशल वर्कर। समीर दुआ, फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर। बकर खान, स्पोर्ट्स हेड इन डीपी डिपार्टमेंट। नेपाल सिंह, ओनर ऑफ चैतन्य बैडमिंटन अकेडमी। प्रोफेसर सुनील यादव, प्रोफेसर एट पीजेडीबी, ऑनर एट स्पोर्ट्स हेल्पलाइन। जसवीर शौकीन, ऑनर एट न्यू दिल्ली 43 होटल। थैंक यू। सर, यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण और प्लेयर्स सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग यहां आए और आप लोगों ने हम लोगों के लिए इस टूर्नामेंट में को सफल बनाने के लिए इतना कोशिश की। हमारे सर ऑनरेबल चीफ गेस्ट सुरेश सर, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आए और बच्चों के लिए दो वर्ड कहें जो ताकि यहाँ आए हुए बच्चों का मोरल हाई हो सके। जो मंच पे बैठे हुए अतिथिगण और जो भी क्रीड़ापटु है बैडमिंटन का और उनके साथ आए हुए उनका माँ बाप, सबको मेरा नमस्कार। मैं अभी मैच अभी देख रहा था, एक छोटा बच्चा 8 साल का बहुत अच्छा खेल रहा था। कभी भी कोई भी बच्चे को आप एनकरेज करने के लिए उनका क्या जीत और हार का हार के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो भी कमी है उनका, जो भी फिटनेस है या मूवमेंट है या एक्शन है, उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और जीत और हार के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एक प्लेयर कंप्लीट होता है, उसको मैच्योरिटी आना चाहिए, उसके बाद वो अपने आप खेलेगा। उसकी वजह से मैं इतना ही बोलता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालिए। और इधर क्या हो रहा है कि हम एक बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने से वो प्रेशर में हार जाता है। उसकी वजह से आप कभी भी कोई बच्चे को कोर्ट के अंदर भेजते हैं, आप साइड में खड़ा होकर देखिए, उनको ज़्यादा बोलने का या ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने का काम मत करिए। और नजफगढ़ की इस जगह में इतना सारे लोग इस बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने आए हैं, इसको देख के बहुत खुश होता है कि हमारा देश में दिन ब दिन स्पोर्ट्स का और फिटनेस के ऊपर इतना महत्व पेरेंट्स दे पा रहा है। ये बहुत हमारा देश को आगे लेके जाएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं प्रोफेसर सुनील यादव जी को मैं उम्मीद करूँगा कि वो आज यहाँ पर आए सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों का भी हार्दिक स्वागत है। एक लाइन कहना चाहूँगा कि तूफानों की लहरों में भी उम्मीदें पलती हैं और जमाना जाता है उस ओर जिस ओर जवानी चलती है। बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर बच्चों को देख के, कितने उमंग और उत्साह से वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और इसी उमंग उत्साह को देखते हुए जो चीज़ें मैंने स्पोर्ट्स में कुछ कमियाँ महसूस की, तो उस कमी को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। sportshelpline.com एक वेबसाइट मैंने बनाई और आपको जान के खुशी होगी कि आज उसका पहला दिन है और पहला ही टूर्नामेंट है। आप sportshelpline.com पे जाके आने वाले सभी टूर्नामेंट, सभी गेम्स के सभी टूर्नामेंट, रूल रेगुलेशन, ट्रेनिंग शेड्यूल, अपने जो अतिथिगण हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस इवेल्यूशन देख सकते हैं। फिटनेस के ऊपर काफ़ी उसमें आर्टिकल्स देश विदेश के लेक्चरर्स ने लिखे हैं,
तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स हेल्पलाइन न्यूज़ मैंने बनाई, आप सबने एक अप्रिशिएशन दिया, एक छोटा 8 साल का बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा था तो हमने उसका एक स्पेशल इंटरव्यू भी लिया ताकि ज़िंदगी में वो जब भी उस इंटरव्यू को देखे तो मोटिवेट हो। मैंने शुरुआत की है, बड़े लोगों को मैं नहीं जानता हूँ लेकिन जो छोटी छोटी अकेडमीज हैं उनमें जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं वो आगे आएँ और इस तरह से उनका उत्साह वर्धन करें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी कोचेज यहाँ अवेलेबल हैं वो कभी भी हमें कॉन्टेक्ट करके बुलाएँ और डेफिनेटली वी विल वर्क फॉर देम एंड अगेन आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर साहब। अब मैं अकेडमी ने डेढ़ साल में ही बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे रेडी किए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और देश में 300 बेहतरीन ट्रेन आए हुए हैं। उसके बाद फाइनल होगा अगर दिल्ली देहात है के जो आसपास के इलाके हैं उनमें बैडमिंटन को बहुत बड़ा पुश मिलेगा और जिस तरह से ये अकेडमी की स्थापना हुई है डेढ़ साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। प्लेयर का टैलेंट जिस तरह से सामने आया है, प्लेयर्स ने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं इसी समय में और प्लेयर्स का जो खेल की प्रतिभा उनका स्तर ऊँचा हुआ है ये मुझे लगता है अकेडमी के लिए बहुत ही सुंदर बात है और इस इलाके में बिहार के लिए हरियाणा के लिए और आस पास के इलाके के लिए टैलेंट को निकालेंगे और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास के प्लेयर यहाँ से बाहर निकलेंगे। Thank you.